हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल के लिए, जो बीपीएससी एग्जाम आ रहा है या बिहार एसएससी वाला एग्जाम आ रहा है, तो हमको डिस्कस करना बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल कहाँ से? एडुटेरिया मैगजीन से डिस्कस कर चुके हैं, कर रहे हैं। कई वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, टोटल 5 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ 2 वीडियो बचा हुआ है, एक ये वाला फोर्थ, और फिफ्थ वीडियो में आएगा बजट, सर्वे और साथ में से, तीन चीज आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रामचंद्र मांझी जी से। रामचंद्र मांझी जी को पद्मश्री मिला हुआ है, ये आपको पता है। ये लौंडा नाथ से रिलेटेड थे और ये अभी भरत, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और इनका अभी ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? सारण डिस्ट्रिक्ट से। उसके अलावा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, इसके द्वारा सिल्वर रेटिंग दिया गया भागलपुर रेलवे स्टेशन को, सिल्वर रेटिंग, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है रबर डैम बन रहा है, रबर डैम आपको पता है, रबर डैम। और ये किस रबी पे? फाल्गु रिवर पे बन रहा है, गया में। इसको गयाजी डैम भी बोलते हैं, 411 मीटर का है और इसका गयाजी डैम नाम पर है, याद रखना। उसके अलावा एक बुक रिलीज किया गया, जिस बुक का नाम था मोदी एट द रेट 20, सपने हुए साकार। कहाँ पे? ज्ञान भवन पटना में। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी। उसके अलावा 12वां बार लगातार लालू प्रसाद यादव को अन अपोज नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया है आरजेडी का। उसके अलावा NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने 2021 में रिपोर्ट दिया कि बिहार का रैंक है 26, किस में? क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। नेशनल एवरेज कितना है? 64.5, बिहार का है 30.0। तो क्राइम में, वुमेन के क्राइम रिलेटेड क्राइम में रैंक बहुत नीचे, इसका मतलब अच्छा काम किया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड दिया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको और दिया नेशनल अवार्ड? बीभा लाल जी को। ये किससे रिलेटेड है? मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड है। एक बहुत फेमस पेंटिंग है इनका, कृष्ण लीला करके, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। और उसके अलावा ऑर्डरिंग विलेज एंड टाउन मैप ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना है बिहार, पहला स्टेट बिहार बना है, याद रखना। उसके बाद स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? फीकी के द्वारा दिया जाता है। स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड फीकी के द्वारा दिया जाता है, बिहार पुलिस को मिला है। किस लिए? ऐप चक्रा के लिए, ऐप चक्रा के लिए। तो फीकी ने बिहार पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग का अवार्ड दिया, किसके लिए? किस ऐप के लिए? ऐप चक्र के लिए। उसके अलावा IIT पटना डेवलप करा वर्चुअल डॉक्टर, ठीक है ना, वर्चुअल डॉक्टर होगा तो AI के मदद से दूर बैठे आदमी का भी इलाज कर सकता है। वर्ल्ड क्लास टाइटल्स क्ले, वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले, ये कहाँ पे मिला है? हाई क्वालिटी, किस कोल माइन में? पीरपैंती कोल माइन जो कि भागलपुर में है। तो टाइल्स क्ले कहाँ पे मिला है? टाइल्स से जो बनाया जाता है वो क्ले, पीरपैंती कोल माइन भागलपुर में। उसके अलावा संजय गांधी जो बायोलॉजिकल पार्क है पटना सिटी में, उनको चौथा रैंक मिला है देश का लार्ज जू वाली कैटेगरी में, फोर्थ रैंक है। उसके अलावा मखाना डेवलपमेंट स्कीम, मखाना आपको पता है GI टैग मिल चुका है, तो इसके प्रोडक्शन के लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं, ये सब डिटेल में नहीं जानना है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो हमने देखा 26 रैंक है यार, या अगर टोटल क्राइम की बात करें तो उसमें 7th रैंक आता है, ठीक है ना, और मर्डर के केस में 2nd पोजीशन आता है, याद रखें, मर्डर में 2nd, टोटल क्राइम में 7th, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 26। उसके अलावा लहठी जिसको हम बोलते हैं बैंगल्स, ठीक है ना, और इसमें G20 जो कॉन्फ्रेंस हुआ ना, G20 कॉन्फ्रेंस, और मुजफ्फरपुर लहठी विल बी प्रेजेंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज इन द इन्वॉल्व इन G20 कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था? बाली में, इंडोनेशिया। ये पिछले बार वाले G20 समिट बोलते हैं, ठीक है, इस वाले 2023 वाला तो भारत में होने वाला है।
स्टेट इलेक्शन कमीशन का में जो म्यूनसिपल इलेक्शन होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर दो लोग को बनाया गया, मनोज वाजपेयी है, त्रिपाठी नहीं है, मनोज तिवारी नहीं है और पंकज त्रिपाठी उसके नेक्स्ट है। देखो मनसुख मंडाविया जी ने सेलिब्रेट किया किस चीज का भाई, देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके 4 साल पूरे हो गए और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसके 1 साल पूरे हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, आरोग्य मंथन 2002 स्टार्ट किया गया, कब, इस दिन। इसमें बिहार को पहला अवार्ड मिला है भाई, किस लिए, ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डॉक्टर और नर्सेस का रजिस्ट्रेशन इस प्लेटफॉर्म के पे कर रहे हैं, इसलिए इनको मिला है अवार्ड, पहला रैंक पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 10th की स्टूडेंट है निहारिका कुमारी, उसको इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम से अवार्ड मिला है, इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद करकटगढ़ फॉल, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, करकटगढ़ फॉल कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, करकट के से के, इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई है। बिहार के सारण के सविता महतो वो उमलिंगला पास पे साइकिल पे गई है, उमलिंगला पास सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। रामायणा यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है, वैशाली में, रामायणा यूनिवर्सिटी। उसके अलावा नेचुरोपैथी कम योगा सेंटर कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, बेगूसराय में, याद रखना बेगूसराय में, और इसमें ह्यूमन बॉडी को प्यूरिफाई किया जाएगा इसके थ्रू, नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू। उसके बाद नाबार्ड हेल्प कर रहा है किसका, बिहार का, कि उनको जीआई टैंक मिल जाए खुरमा के लिए, तिलकुट के लिए और बालूशाही के लिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र नालंदा डेयरी है, इनको पहला डेयरी बना है कंट्री का जिसको CAS मिला है, कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क, मतलब एक मार्क होता है जिसमें कन्फॉर्मेटी असेसमेंट स्कीम का मार्क होता है, ये नालंदा डेयरी को मिला, याद रखिएगा। ओपन जी में सा इस्टाब्लिश करने की बात करें बिहार पंचायत में, नीतीश कुमार ने डिसाइड किया कि वो रिनेम करेंगे रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का, किस नाम से, बक्सर में रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। बिहार के पुलिस को 26 सेंट्रल मेडल मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखिए, इसमें 7 गैलेंट्री मेडल भी है, और एक किस किस को मिला यहाँ पे याद नहीं रखना है, जैसे नैयर हसनैन खान एडिशनल DGP इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हैज गॉट प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ये पूछा सकता है, नैयर हसनैन खान जो कि एडिशनल DGP है, इनको इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के एडिशनल DGP है, इनको प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड मिला। उसके रोहित, रोहित ने क्या किया है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट का, याद रखिए, इसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाएगा सबसे चीपेस्ट तरीका से, और ये हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। JDU जनता दल यूनाइटेड, इसको स्टेट पार्टी तो ऑलरेडी बिहार में मिला ही था, अरुणाचल प्रदेश में मिला ही है, अब मणिपुर में ही मिल गया, अब इसके बाद एक और में मिलेगा तो इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। उसके बाद 76 इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इसमें जो ये गांधी मैदान में हुआ उसमें सबसे पहला किसको मिला अवार्ड, सबसे पहला अवार्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिला, दूसरे स्थान पे फायर, थर्ड पे एजुकेशनल, और जब ये बिहार से भारत वाले राष्ट्र वहाँ पे कर्तव्य पथ पे भेजा जा रहा था, कर्तव्य पथ पे किसको, जो डैम नहीं है गया जी डैम, तो रिजेक्ट कर दिया गया था उसको, तो इस साल बिहार का कोई अपना था ही नहीं, और ऐसा देखा गया कई साल से बिहार का कोई कुछ कोई भी जो झांकी है ना वो जाता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है बेगर, अब सिंपल पूछा है, बेगर मतलब जो भीख मांगते हैं, जो भिखारी होते हैं, वो अपना यूनिक बैंक कहाँ पे बनाया, मुजफ्फरपुर में, याद रखना मुजफ्फरपुर। उसके अलावा
एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, जो एलएस कॉलेज का जो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है ना, उसको यूनेस्को लिस्ट में डाल दिया गया है इम्पोर्टेंट इंडेंजर हेरिटेज के कैटेगरी में। ध्यान है, इम्पोर्टेंट इंडेंजर हेरिटेज के कैटेगरी में डाल दिया गया है किसको? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो एलएस कॉलेज का है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा है, इनको पहला वाइस चांसलर बनाया गया है। सुरेश कांत वर्मा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अभिषेक सानू जो कि भागलपुर के, वो बिहार, भारत और पाकिस्तान का जो एशिया कप में मैच हुआ ना, वहाँ पे कमेंट्री किया थे, याद रखना। अभिषेक सानू ये पर्सन है, किस खेल से रिलेटेड है? ये कमेंट्री से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है ना। द बिहार गवर्नमेंट स्टार्टेड द मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, ठीक है ना। मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके अंदर ये समेकित चौर विकास योजना, जिससे फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके, इतना याद रखना बस। नीतीश कुमार 8वीं बार बने हैं क्या चीफ मिनिस्टर? 8वां बार बने हैं, याद रखिए। और जो सबसे ज्यादा बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले ये आदमी है, 8 बार। उसके बाद फागु चौहान एडमिनिस्टर की ओथ का, याद रखना। टोटल अगर आपसे पूछा जो ग्रैंड अलायंस, महागठबंधन में टोटल कितने पार्टी है? 7 पार्टी है। आरजेडी के सबसे ज्यादा नंबर है पार्टी में, फिर जेडीयू, कांग्रेस, फिर हम, फिर इंडिपेंडेंट। बिहार ने सोचा है कि सास बहु बेटी कैंपेन है ना, उसको फिर से एक्सेलरेट करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के लिए रोड मैप तैयार किए जाने की बात की गई है। 17 टाइगर की मौत हो गई NTCA, और मतलब बार बार में 2012 से 2020 तक के बीच में है, एक दिन में ऐसा नहीं है। और सबसे ज्यादा डेथ कहाँ हुए? मध्य प्रदेश में हुए। देखो, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर द डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिक्लेयर बक्सर एज ए टॉप डिस्ट्रिक्ट, मतलब मनरेगा में सबसे अच्छा से काम कौन किया? बक्सर। और सबसे खराब शिवहर। सीएम जी ने एक किताब को इनॉग्रेट किया, सोने के हाथ, किन के द्वारा लिखा गया था? राज्यवर्धन आजाद के द्वारा। ये सोने के हाथ, ये क्या है? आई डॉक्टर है और चेयरमैन है यूनिवर्सिटी USC के, ठीक है ना। बहुत सारे डेली रूटीन लिखा हुआ है इसमें डॉक्टर का। तो सोने का हाथ किताब के राइटर कौन है? राज्यवर्धन आजाद। बिहार में जो म्यूजियम है ना, यहाँ पे बिहार म्यूजियम जो पटना में है, उसका 7th फाउंडेशन डे अभी रखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है स्त्री। स्त्री कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? कांग्रेस के द्वारा। इसमें लीगल और मेडिकल हेल्प देने की बात की वुमेन को। स्त्री का फुल फॉर्म है सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट। हर घर नल का जल की बात करते हैं। हर घर नल का जल में सबसे ज्यादा घर तक ये पहुंचाने वाला है बिहार, यार पहुंचा चुका है, पहला पोजीशन है इसमें, ठीक है। एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था हर घर जल उत्सव, इसमें से बिहार ने अपने आप को आउट कर लिया। पूरे देश में सेलिब्रेट हुआ, बिहार में सेलिब्रेट नहीं हुआ, याद रखना है, ठीक है। एक हुआ क्या, बेतिया में क्रॉप बर्बाद हो रहा था, तो फार्मर लोग ने क्या किया? एक पंचायत है जिसका नाम है हरदी नदवान पंचायत और ऑफ चौतवारा ऑफ बगहा, ठीक है ना। मतलब ये सिंपल याद रहना, चौतवारा यार एरिया है। यहाँ पे एक रिवर को डाइवर्ट किया, और रिवर को डाइवर्ट करके कौन से रिवर? सिकरी और हरहा रिवर। सिंपल याद रहना, सिकरी और हरवा रिवर को बेतिया में, सिंपल बोलना, सिकरी और हरहा रिवर कहाँ है? बेतिया में। तो उनको बचाया, मतलब सिंपल रिवर पे डैम बनाया, डैम छोटा मोटा बनाया और रिवर को डाइवर्ट किया ताकि पानी इनके खेतों तक पहुंच सके, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वुमेन पुलिस कहाँ पे? बिहार में है। कैबिनेट मीटिंग हुआ, ये हमको पता है, वो कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जल जीवन हरियाली जो अभियान है ना, उसका एक्सपेंशन हुआ 2022-23 से 24-25 तक, ये आगे होता है, ठीक है। 17वें स्पीकर कौन बने हैं? आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट है, सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेट किया है अंडरग्राउंड वर्क ऑफ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट
एट मोइनुल हक स्टेडियम, मोइनुल हक स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद रेनू पासवान है जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है डी 100 ग्रुप का, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन है, ये वुमेन राइट के बारे में बोलती है। तो मुजफ्फर सिंपल पूछा रेनू पासवान कौन है, तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है या वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये जी 100 ग्रुप की मेंबर है, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है रेनू पासवान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया 4 मिनरल ब्लॉक, किस किस के, क्रोमियम पोटेशियम के, क्रोमियम पोटेशियम के टू बिहार, याद रखना क्लियर। ये कहाँ पे कौन कौन, एक है नंदीवाह ब्लॉक इन सासाराम रोहतास, टिप्पा मिनरल ब्लॉक इन इन शाहपुर ब्लॉक, ऑल दीज आर ब्लॉक ऑफ पोटेशियम। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रोमियम ब्लॉक है औरंगाबाद गया में, औरंगाबाद और गया में। बोध गया जो बिहार का है उसको बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का दर्जा मिला है, ध्यान देना, बोध गया जो बिहार का है उसको बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का, भाई स्पिरिचुअल बहुत होता है ना, बोध बुद्धा से रिलेटेड। और एट द आउटलेक एक अवार्ड है, अवार्ड का नाम है आउटलेक ट्रेवलर अवार्ड, ठीक है। मिथिला मखाना को आपको पता है GI टैग मिला है। सबसे ज़्यादा लोग बाहर कहाँ से जाते हैं, यूपी से जाते हैं एब्रॉड, और उसके बाद जाते हैं बिहार से, उसमें भी सारण और गोपालगंज के बच्चे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। और कंट्री का सबसे बड़ा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड का डिपॉजिट मिला है, बिहार अब गोल्ड में 44% गोल्ड से बिहार में मिल गया। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ान आर्ट और क्राफ्ट शॉप, ठीक है ना, उड़ान आर्ट और क्राफ्ट शॉप इन द पटना टू वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द रूरल एरिया ऑफ बिहार टू सेल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो कि बनाएंगे ये लोग उनको बेचा जाएगा। ऑपरेशन सैडो क्या है, सैडो का मतलब होता है सर्च एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जिसे नक्सलाइड के को खत्म करने की बात की। ऑपरेशन सैडो किससे रिलेटेड है, नक्सलाइड से रिलेटेड है। बिहार का सबसे एलिवेटेड, सबसे बिगेस्ट एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है दानापुर से बेटा, दानापुर से बेटा। एक किताब लिखा गया था जिसका नाम है वेस्ट फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP। ये किताब दो लड़की के द्वारा लिखा गया था, एक है आर्या और एक है मैत्री, मैत्री वेस्ट बंगाल की, आर्या एक्चुअली मुजफ्फरपुर की है। तो इनका किताब है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर, तो इसको एज ए मॉडल यूज किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे, कि यार गाँव में लोग जॉब सीकर ना बने, सिर्फ जॉब देने वाला ही बने। विधानसभा आपको पता है हमारा विधानसभा 100 साल उसको पूरा हो गया, उसमें बिहार विधानसभा में ग्रैंड ब्रॉन्ज स्टैचू लगाया गया है, इनॉग्रेट किया PM मोदी जी ने, ठीक है ना। इसमें कई चीज़ है, इस आपको इस पिलर में बोधि ट्री मिलेगा, बोधि ट्री में 318 को पत्ते मिलेगा, 318 पत्ते इसलिए क्योंकि 243 मेंबर है इसके और 75 मेंबर है इसके, उसके 9 डिवीजन इसको मिलेगा, और भी कई चीज़ें है। हाइट है 40 फीट का, 9 डिवीजन मिलेगा, 38 ब्रांच, 9 डिवीजन यानी बिहार 9 डिवीजन में है, 38 ब्रांच यानी 38 डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, बिहार के 2 इंस्टीट्यूशन टॉप रैंक में जगह बना पाए हैं, एक है IIT पटना और एक है NIT पटना। IIT पटना 8 स्थान नीचे गिर गया है, अब 59 पे हो गया, NIT पटना और 63वें स्थान पे आया है, और इसने इम्प्रूव किए कमाया है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, 5,000 का जुर्माना लगेगा। उसके अलावा सेंटर का एक रिपोर्ट है UDICAE रिपोर्ट 2020-21, बिहार का सबसे ज़्यादा बच्चा मतलब क्लास वन में सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ पे है, बिहार में ही, याद रखना। संजय गांधी जो बायोलॉजिकल पार्क है ना, वहाँ पे बहुत जानवर को बाहर से लाया जा रहा है, बस इतना याद रख लो ना कि किस किस को लाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो राज्यसभा से 5 मेंबर बने हैं, फयाज अहमद मीसा भारती RJD की, ये भी RJD के है, सतीश चंद्रा BJP के है, शंभु शरण पटेल BJP के है, खीरू महतो ये है JDU के। उसके बाद किन्नर महोत्सव होता है, किन्नर महोत्सव कहाँ पे होता है, प्रेमचंद रंगशाला में, पटना में प्रेमचंद रंगशाला। और पद्मश्री
मंजमा जोगाथी, इन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया कन्नड़ सॉन्ग के साथ एंड डांस जोगाथी के साथ। और जो हमारा एक प्रोजेक्ट है ना, हर घे खेत तक सिंचाई का पानी स्कीम 2025, इसको जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। 2025 टारगेट है। अमृत बिजली महोत्सव ये कब से कब तक? 25 से 30 जुलाई के बीच हुआ। और उसके बाद बिहार रैंक सेकेंड हो गया जिसमें मॉनिटरिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द कंट्री, सिक्किम के बाद, ठीक है ना। और इसमें मतलब ऑक्सीजन जो सिलेंडर पहुंचाना होता है ना, उसकी बात करता है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें सेकेंड पोजीशन मिला है बिहार को। रमई राम का डेथ हो गया, 9 टाइम्स थे मुजफ्फरपुर के बोचान असेंबली सीट पे, बोचाहन। बिहार के ग्राम गवर्नमेंट है डिसाइड किया कि मोदी नगर और नीतीश नगर बनाएंगे, ये बात याद रखना। परमानेंट ट्रैफिक पार्क कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है? स्टेट का परमानेंट ट्रैफिक पार्क कुंवर सिंह पार्क पटना में, ठीक है ना। अब इसके में क्या बताया जाएगा? ट्रैफिक रूल के बारे में बताया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीट जीत लिया है लोकल म्यूनसिपल इलेक्शन में इन अरुणाचल प्रदेश। सबिता महतो आपको पता है, साइकिल उमलिंगला पास। टेम्पल और जो मोनास्ट्रीज है ना, उसको रजिस्टर करना इम्पोर्टेंट हो गया बिहार में। एविएशन टरबाइन फ्यूल बरौनी रिफाइनरी, इससे क्या हुआ? स्टार्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ एविएशन टरबाइन फ्यूल बरौनी रिफाइनरी ऑफ द स्टेट, इसको करके इसको कुछ और टाइटल मिला है बिहार को। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, ठीक है ना, कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? पटना जू में, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल के द्वारा। कहाँ पे? पटना जू में। उसके बाद नेक्स्ट है और इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में अलग अलग बात बताया जाएगा। द गवर्नमेंट अनाउंस डेट द सेकेंड मैरिज, मतलब सेकेंड मैरिज अगर किसी को करना है ना, तो पहले से प्रायर नोटिफिकेशन, देखो पहला से तो ऐसे ही खत्म होना चाहिए, और दूसरे से शादी करने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो को सेटअप कहाँ पे किया जाएगा? नील एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो डुमराव का है ना, बक्सर डुमराव, वहाँ पे एक नीलगाय रिसर्च सेंटर स्टाब्लिश किया जा रहा है, नीलगाय रिसर्च सेंटर। ऑक्सीजन पार्क यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, कहाँ पे? थावे गोपालगंज में, थावे गोपालगंज में। 20 फीट का शिवलिंग कहाँ पे बना है? मोतिहारी में, रुद्राक्ष से, याद रखना। बक्सर में हब है ब्लैक सॉल्ट राइस का। भागीरथ स्त्री सम्मान किसको मिला? श्रीमती रेणु देवी को मिला, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वाइस डिप्टी प्रेस चीफ मिनिस्टर थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछले बार। और चित्रकूट और कर्नाटका में इसको मिला, चित्रकूट कर्नाटका में। कास्ट सेंसस बनाने की बात की है, 500 करोड़, कास्ट सेंसस तैयार है, शुरू हो गया है। बर्थ एनिवर्सरी जो जॉर्ज फर्नांडिस है, उसको एज ए स्टेट फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑब्वियसली होता है, जैसे नीतीश कुमार ने जो जो जीते हैं ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, उनको बुला के बात किए होंगे, बस हो गया। उसके बाद परीक्षा भवन बनाया गया पटना में, सबसे बड़ा है बिहार का, 25,000 बच्चे बैठ सकते हैं। करकटगढ़ फॉल कैमूर, उसके अलावा लॉन्गेस्ट जो स्टील ब्रिज है, जो महात्मा गांधी सेतु नहीं था पहले, वहीं पे एक और बन रहा है, लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है, मतलब इसके जगह पे इसको यूज किया जाएगा। ये है 5.6 किलोमीटर का। देखो एक बिल्डिंग बनाया गया, क्यों भाई? आम जो नीडी पीपल है ना, उसके हेल्प के लिए। कौन बना रही है? श्री दादी जी सेवा समिति, श्री दादी जी सेवा समिति, ऑब्वियसली ग्रुप होगा सेवा समिति का। कहाँ पे? शक्ति धाम अग्रसेन मार्ग पटना, शक्ति धाम अग्रसेन मार्ग पटना में, और सीएम जी ने इनको इनॉग्रेट किया, बस इतना याद रखना। उसके रिवर सफारी कहाँ पे हो रहा है? दुर्गावती रिजर्वायर में, दुर्गावती रिजर्वायर कहाँ पे? कर्नाटक कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, सिंपल याद रखना। दुर्गावती रिजर्वायर कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे रिवर सफारी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिवर यहाँ पे फॉर दिस विल बी द फर्स्ट रिवर सफारी वेयर बोथ जंगल एंड रिवर कैन बी टूर्ड, मतलब वहाँ पे घुमाया जाएगा जंगल पे भी और रिवर पे। दुर्गावती रिजर्वायर पे है रिवर सफारी। उसके अलावा नवीनगर थर्मल पावर प्लांट,
नवी नगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है भाई? औरंगाबाद में, नवी नगर थर्मल पावर प्लांट औरंगाबाद में। उसके बाद स्मोक फ्री कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बना है? शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा किताब किसके ऊपर लिखा गया? लालू प्रसाद यादव के द्वारा, श्रवण कुमार सिंह ने किताब लिखा। केवारिया ऐप है जो कावर लेके नहीं जाते, कवारिया ऐप, कवारिया ऐप बोल सकते, केवर जो कावर लेके जाते देवघर, उनके लिए एक ऐप बनाया गया है, फायदा पहुंचेगा उनको, ठीक है ना। हेरिटेज ट्री ऐप, जो भी ट्री हेरिटेज है, काफी पुराना है, उसके इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रखा जाएगा, हेरिटेज ट्री ऐप है। उसके अलावा महात्मा गांधी सेतु तो हमने बताया कि यहाँ ये स्टील ब्रिज है, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज, ठीक है ना, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बना है, ये हाजीपुर से पटना को जोड़ता है, वैशाली से पटना को जोड़ता है। करकट ये तो ये सेम चीज, ये भी ऑलरेडी हमने कर ही लिया, जमुई डिस्ट्रिक्ट वाला। बिहार एसटीएफ अपना ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश करे? बोध गया में। और 90 साल बाद कर्नाटका पहला है, बिहार दूसरा है, जो कास्ट सेंसस कर रहा है मई। तो कई चीज यहाँ पे आप देखो हमारा हो ही चुका है, रिपीट कर देता है कई करंट अफेयर्स। इस्कॉन टेम्पल कहाँ पे बन रहा है? पटना में बन रहा है। उसके अलावा मॉरेन ट्रेड रूट जो है ना, उसको जो बिहार का, उसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ये रूट कहाँ से कहाँ का कनेक्ट करता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट और वेस्ट चंपारण। उसके बाद खरीफ महाभियान, ये भी पता है, खरीफ महाभियान, इसमें ड्रिप इरिगेशन पे फोकस किया जाएगा, 90% सब्सिडी दिया जाएगा। जल सूरज अभियान, जल जन सूरज अभियान, इसमें जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट है प्रशांत किशोर, ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा बताने का क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टर मीट, बिहार का इन्वेस्टर मीट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखना। अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर को, भाई आओ आओ आओ, ठीक है। उसके बाद 3 दिन का बिहार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? कोलकाता में। तो कल्चरल हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट, ये आर्ट सब बिहार का बिकेगा, वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए, जमुई तो हमें पता ही है। हेल्थ सर्वे जो हुआ ना, एन नेशनल NFHS 5, उसमें सेक्स रेशियो बिहार के इम्प्रूव हुआ है, 1092 हो गया है। लखनदेई रिवर जो कि बागमती की ट्रिब्यूटरी है, उसको रिवाइव करने की बात की गई है। अब फर्स्ट IT मॉडल रूम कहाँ पे बन रहा है? गया में। और शेरशाह सूरी महोत्सव कहाँ पे बन रहा है? रोहतास में, सासाराम, फजलगंज स्टेडियम रोहतास में शेरशाह सूरी महोत्सव। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बिहार का इंक्रीज हो के 14.5 से 19.3 हो गया 2020-21 में। और इंडिया, बिहार चौथा नंबर पे है हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में, याद रखना। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में तो हम सुना ही था, अब कैमूर और नवादा में भी बन रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट में मैथिली लैंग्वेज में अनाउंसमेंट हो रही है। ई विधान सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ हिमाचल प्रदेश में, और ये बिहार में भी। एयर मार्शल अमित देव, एयर मार्शल अमित देव जो कि सीतामढ़ी से है, उनको अवार्ड किया गया विशिष्ट सेवा मेडल ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। विशिष्ट सेवा मेडल किनको मिला? अमित कुमार को। अमित कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीतामढ़ी से बोल भी करते हैं। और आपको पता है गया का नाम गया जी हो गया है। मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया, मोतिहारी रेटिंग को, जो बापूधाम मोतिहारी है ना, और भागलपुर वाले को सिल्वर रेटिंग। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग और सिल्वर रेटिंग दिया गया भागलपुर वाले को। और OTT पहला है बिहार का, चौपाल नाम है, अपना वेबसाइट बना रहे हैं। इट इज अनाउंस टू बिल्ड देयर ओन वेबसाइट, ग्राम पंचायत अपना वेबसाइट बनाए। येल्लो अलर्ट दिया गया है डिस्ट्रिक्ट बिहार में, क्यों? क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाली है जिसका नाम है अशानी। ई वेयर हाउसिंग सिस्टम, बिहार पहला राज्य है देश का जहाँ पे ई वेयर हाउसिंग सिस्टम है। पैथोलॉजी टेस्ट सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद अप्रैल का है, आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप, ऑब्वियसली आयुष, आयुष जो है ना मेडिसिन, उसमें कंसल्ट की बात की है, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। पटना साई फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? पटना साई फेस्टिवल टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। वैशाली फेस्टिवल, ये भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, ये पूछेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अंडर द ओल्ड एज शेल्टर स्कीम, ओल्ड एज शेल्टर स्कीम,
इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में दो ओल्ड एज होम बनाने की बात की जा रही है। उसके अलावा स्मोक फ्री, तो देखो तीन डिस्ट्रिक्ट पहले से दिया है, उसके अलावा मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी दिया ही था, अब बेगूसराय, शेखपुरा की बात कर रहे हैं। थावे फेस्टिवल आपको पता है, गोपालगंज, ये तो होगा ही। बाबा केवल धाम स्टेट फेयर, ये समस्तीपुर में हो, बाबा केवल धाम स्टेट प्रोजेक्ट। बिहार पोजिशन, ये देखो दो जगह अलग अलग डेटा दिया हुआ, तो इन दोनों को एक जगह दिया 26, एक जगह 30 दिया हुआ है, इनको छोड़ो अभी, ठीक है। एक बार मैं अपडेट करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इन द ईयर 2022 बर्थ एनिवर्सरी जो एम्परर अशोका का ना, उसको मनाया जा रहा है 9 अप्रैल को। ऑन 4 अप्रैल 2022 बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्सरसाइज अमेंडमेंट रूल नोटिफाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अमेंडेड बाई बिहार लिकर प्रोहिबिशन एंड प्रोडक्ट एक्ट। इसको अमेंड किया गया है, इसको याद नहीं करना है। उसके बाद बिहार प्रोहिबिशन एक्सरसाइज अमेंडमेंट कब से लागू हुआ, याद रखिए 1 अप्रैल 2022 से। उसके बाद मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है, कैमूर में है। मुंडेश्वरी टेम्पल कैमूर में है, किस हिल पे है, पनवारा हिल्स। पनवारा हिल्स कहाँ पे है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार इट वॉज अनाउंस टू स्टार्ट थैलासेमिया डे केयर सेंटर। थैलासेमिया डे केयर सेंटर कहाँ पे, चार जगह, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। नेशनल हाईवे बनाने की बात की गई है, इसके लिए पैसा दिया जा रहा है, और कहाँ से, उमगांव से मधुबनी के बीच, उमगांव इन मधुबनी टू महिषी इन सहरसा, यानी मधुबनी से सहरसा, ये रिलीजियस कॉरिडोर बन रहा है, रिलीजियस कॉरिडोर बन रहा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर देउबाई, इन्होंने ज्वाइंटली फ्लैग ऑफ किया है ट्रेन को, कहाँ से, जयनगर जो कि मधुबनी में है, जयनगर मधुबनी से जनकपुर नेपाल, याद रखिए जयनगर मधुबनी में है, वहां से लेके जनकपुर नेपाल के बीच। एक 550 करोड़ पेप्सी बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे, असुरारी हबसपुर में, ठीक है ना, और ये बरौनी डिस्ट्रिक्ट में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो हमने पहले से भी कर लिया था। प्रियंका गुप्ता टी बिजनेस में ग्रेजुएट, चाय वाली, ठीक है। उसके बाद बाबू कुमार सिंह विजयोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 23 अप्रैल 2022 को दुलारा मैदान इन जगदीशपुर में, ठीक है ना, इन भोजपुर। और यहाँ पे बहुत सारा फ्लैग एक साथ होस्ट किया गया, 77,000 लगभग, 78,000 टोटल। उसके अलावा बर्ड सर्वे किया गया, किसके कोलाबरेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, नहीं पूछेगा। उसके बाद अगर एक रैंक है, हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स, हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है, नीति आयोग का, ये पूछा जा सकता है, पिछले बार या पिछले से पिछले बार ये पूछा था। नंबर बिहार का रैंक है 18, बिहार के पास नंबर है 31 100 में से, और जो 19 स्टेट है ना उसमें बिहार का रैंक 18 है, मतलब 19 जो लार्जर स्टेट की अलग होती है, स्मॉलर स्टेट की अलग होती है, हिमालयन स्टेट की अलग होती है, तो लार्जर स्टेट में बिहार की रैंकिंग है नीचे से सेकेंड, 18वां आउट ऑफ 19। ललिता देवी जो कि वेस्ट चंपारण की है, प्लांट सैम्पलिंग स्टार्ट की अपने बचपन से, अभी तक 11,000 सैम्पलिंग ये कर चुकी है। उसके बाद चेतक बात करते, फर्स्ट फर्स्ट टाइम स्पेशल कैंपेन ऑफ स्कूल रेडीनेस चेतक 2.0 लॉन्च किया गया स्टूडेंट के द्वारा, याद रखना। और इसमें बिहार की रैंकिंग है, ये तो पता ही है, बिहार की रैंकिंग है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा डॉक्टर को रजिस्टर कराने में, इसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट एक्सटेंड किया गया है 2022-23 से 26-27 के बीच। महाबोधि कल्चरल सेंटर ये इनोग्रेट किया गया सीएम के द्वारा नीतीश कुमार बोधगया में। उसके बाद है बिहार बोर्ड के चेयरमैन है आनंद किशोर, इनको अवार्ड किया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग की बात की गई है, स्टार्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 डिस्ट्रिक्ट में। खादी क्लोथ और हैंडीक्राफ्ट ये वर्ल्ड मार्केट में भी अच्छा जाएगा, फ्लिपकॉर्ट और अमेजोन के माध्यम से। उसके बाद ई कॉमर्स पोर्टल भी प्रिपेयर किया गया है उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान के द्वारा। उसके बाद बिहार म्यूजियम ये तो हो गया है। वेजिटेबल के प्रोडक्शन में बिहार का रैंक है 3rd आफ्टर यूपी एंड वेस्ट बंगाल,
ठीक है, 30 हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, उसमें पटना सबसे पहले पर आया, दानापुर है सेकंड, मुजफ्फरपुर थर्ड में है। जो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है उसकी बात करें, इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया गया पूर्णिया के परोरा में, याद रखना है। उसके बाद क्रिटिक और टीचर ऑफ हिंदी इन हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है लेट प्रोफेसर रेवाती रमन, इनकी किताब है साध के अनुयोग सृजन, साध के अनुयोग सृजन, इसको रिलीज किया गया है। इसमें फोकस किया गया है, दिस वॉज फोकस ऑन द वर्क ऑफ आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, मतलब जानकी वल्लभ शास्त्री जी के पे फोकस किया गया है, साध के अनुयोग सृजन। इस किताब के राइटर है प्रोफेसर रावती रमन। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है जीआई टैग की मिथिला रोहू और सोन के कलरा फिश के लिए। अब मुख्यमंत्री एक स्कीम है, मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना, इसमें क्या किया जाएगा, एक बच्चे का दो, एक एक जो आश्रय, एक जो जगह होगा ना रेसिडेंशियल स्कूल, वो 200 जगह को, 200 बच्चे को रखेगा, तो 12 ऐसे ही 12 जिला में बनाया जाएगा, तो 2400 को टोटल रखा जाएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जा रहा है, बिहार में 25 अप्रैल को, मलेरिया को रोकथाम के लिए अच्छा काम किया। उसके बाद नेशनल पंचायती राज डे, टोटल 12 अवार्ड मिले बिहार को, याद रखना टोटल 12 अवार्ड मिले बिहार को। उसके अलावा कैटेगरी इन द मेन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट ग्राम पंचायत एट पल्ली इन शंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया, शंबा डिस्ट्रिक्ट पल्ली। आईआईटी पटना इनक्यूबेशन सेंटर, इसने डेवलप किया है काउंटर ड्रोन सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है ना। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे बन रहा है, पटना के बिहटा में, पटना के बिहटा में। नेक्स्ट है, उसके अलावा एक देखो शॉर्ट फिल्म के लिए सबसे दुनिया का बड़ा अवार्ड होता है बुशान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, इसमें बिहार के एक यूथ का जो शॉर्ट फिल्म होगा वो अरवल डिस्ट्रिक्ट का है, उसका गया है, नॉमिनेट हुआ है मुकुंद नारायण शॉर्ट फिल्म पटाइटी, ठीक है। मतलब मुकुंद नारायण, देखो मुकुंद नारायण उस आदमी का नाम है और शॉर्ट फिल्म का नाम है पटाई पातलती, पातल टी, पाटल टी, ठीक है, ये अरवल डिस्ट्रिक्ट का है। उसके अलावा मुंगेर जो विशाल, मुंगेर का विशाल जो है ये सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल थे, इनको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक में इनकी मतलब इनका वीरगति के प्राप्त किए। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में राज्य का दूसरा प्लानिटेरियम बनाया गया है 88 करोड़ खर्चा करके। अररिया डिस्ट्रिक्ट को पहला रैंक मिला है इंद्रधनुष में अच्छा से अच्छा काम करने के लिए, 100% टीम, 100% अचीवमेंट के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है, जिससे बीमारी को पहले ही रोक दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू कंडक्ट ई ऑक्शन ऑफ व्हीकल, जो कि सीज किया जाता है सेंट्रल प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, जो व्हीकल जो गाड़ी जो जब्त किया जाता है ना उसका, ये करवाएंगे क्या, ई ऑक्शन। चीफ मिनिस्टर का जो 71वां बर्थडे था ना उस दिन 71 पीपल लोगों ने डोनेट किया 71 यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके अलावा वोटिंग और 24 सीट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कब हुआ, 4 अप्रैल को हुआ, नोटिफिकेशन 9 मार्च को दिया गया था। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल 75 मेंबर है, ठीक है, ये पता आपको। अनाउंसमेंट मेड बाई बिहार गवर्नमेंट द वर्क ऑफ सर्वे सेटलमेंट ऑफ लैंड, ये कब कंप्लीट हो जाएगा, 2023 में। एक यूनिट है 600 मेगावाट ऑफ एनटीपीसी नबीनगर प्लांट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये कमीशन किया गया, एनटीपीसी नबीनगर प्लांट, नबीनगर प्लांट कहाँ पे, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में से जिनका नाम है ज्योति देवी, ठीक है ना, ज्योति देवी ये एमएलए है, इनका नाम है ज्योति देवी, ये एमएलए है हाम पार्टी के, कहाँ, बरचट्टी के। तो इनको जो स्टेट बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वहां पे प्रोसीडिंग कंडक्ट करने का मौका दिया है, क्यों, वुमेन को प्रमोट करना है भाई, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे
29 वुमेन को अवार्ड दिया गया, इसमें से दो बिहार के हैं, एक मीरा ठाकुर है, एक अनीता गुप्ता है। मीरा ठाकुर मधुबनी की है, क्वाइन आर्ट के लिए फेमस है, और अनीता गुप्ता एंटरप्रेन्योर है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद बात करते हैं किसान मेला 2022, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, पूसा, समस्तीपुर कैंपस में। किसान मेला कहाँ पे हुआ, पूसा में हुआ, समस्तीपुर कैंपस में। रिंग रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है 5 सिटीज इन बिहार में, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया। उसके अलावा ऑन द ओकेजन ऑफ बिहार 110वां फाउंडेशन डे, एक ग्रैंड ड्रोन लाइट शो ऑर्गेनाइज किया गया, पहली बार गांधी मैदान में। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार डे मनाया जाता है 22 मार्च को, पता है, गांधी मैदान में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज किया। शॉर्ट फिल्म जल जीवन हरियाली मिशन पे प्रेजेंट किया गया, स्ट्रीट प्ले परफॉर्म किया गया, ड्रग एडिक्शन और डाउरी सिस्टम के खिलाफ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इन दोनों सिस्टम के, क्योंकि समाज की बहुत बड़ी कुरीतियों को जन्म देती है दो चीज़। ओल्ड होम एज होम बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में दो, ठीक है ना, मतलब पहला तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, एक सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे एक वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी पटना में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पे, माया सरोवर में बोधगया, माया सरोवर में बोधगया। उसके अलावा बुद्धिस्ट स्तूपा और बुद्ध सम्यक म्यूजियम ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वैशाली में। नेक्स्ट है नेशनल जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिल ये पास किया गया है, और इसमें जो चेयरमैन का जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया, अब 70 था 75 कर दिया। उसके अलावा एक सब जूनियर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन हुआ, सब जूनियर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन, नेशनल सब जूनियर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन भुवनेश्वर में हुआ। इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है, भोला सिंह जो बिहार के थे, इसको गोल्ड मेडल मिला, याद रखना। चीफ जस्टिस संजय करोल इन्होंने ओथ एडमिनिस्टर किया है पटना के हाईकोर्ट एडवोकेट का, राजीव राय और हरीश कुमार इन दोनों को अब जज बनाएगा पटना हाईकोर्ट का, राजीव राय और हरीश कुमार। फॉर बेटर अफोर्ड इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन मिनिस्ट्री मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किस राज्य को नेशनल लेवल पे सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला है, ईस्ट चंपारण वॉज ऑनर्ड एज ए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न रीजन ऑफ द, देखो नेशनल पूरा नेशन है उसमें ईस्टर्न रीजन में, सिर्फ बिहार नहीं, ईस्टर्न रीजन है, पूरे ईस्टर्न रीजन है, पूर्वी भाग में सबसे अच्छा रैंक किसका है, ईस्ट चंपारण का, वाटर मैनेजमेंट के कैटेगरी में। देखो पिछली बार हमने अगर दूसरे फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप भी आ गया है, ये थर्ड का ही है, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप भी आ गया है, तो थर्ड वाला याद करने की जरूरत नहीं है। एंड यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने अनाउंस किया है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है ना, तिलारी ये नहीं याद करना है, पुराना हो गया, ठीक है, मैं वो देख लेता हूँ जो पुराना डेटा है उसको याद कर। हाफ मैराथन ड्रग फ्री बिहार के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, चेताराम जो 70 साल के उन्होंने जीता, ये जलादौन डिस्ट्रिक्ट के हैं। मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं, ये डिक्रीज होके 127 हो गया है। एक देखो एक प्रोग्राम है जिसके तहत बिहार के एम्बार्कमेंट और जो भी बात होती है एम्बार्कमेंट और रिवर से रिलेटेड सारा डेटा होगा, और ये बिहार एम्बार्कमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है, बिहार एम्बार्कमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है। फ्लड को मैनेजमेंट करने की बात की गई है, फ्लड को मैनेज करने की बात की गई है। ऑल द एक्सप्रेस वे हैज अप्रूव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार पास थ्रू अदर स्टेट, बट द औरंगाबाद टू जयनगर विल बी फर्स्ट, ये सात डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। एक्सप्रेस वे कहाँ से, पहला कौन है, औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेस वे। उसके बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है एंड लिथियम बैटरी पावर्ड सूटकेस इन्वर्टर, लिथियम बैटरी पावर्ड सूटकेस इन्वर्टर है, ठीक है ना, और एक काम कर रहा है -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये डेवलप किया गया है IIT पटना के द्वारा, इसका वेट होगा 6 से 15 kg तक, ठीक है ना, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी पावर्ड सूटकेस इन्वर्टर।
स्टैटिस्टिक्स जो रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, उसमें बिहार 22वां रैंक पे आ रहा है एक्सपोर्ट में, ठीक है ना। गुजरात टॉप आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने डेटा रिलीज किया, ठीक है, उसमें बेगूसराय सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और बेगूसराय टॉप इन्फो है, ठीक है ना। डॉक्टर आशीष झा, इन्होंने हैज बिन डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एज ए न्यू कोविड रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर, कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। ये इंडियन ओरिजिन है डॉक्टर आशीष झा, इसको बनाया है यूएसए ने अपना कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनको फाउंड ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोल मिला है, कहाँ पे? भागलपुर के कहलगांव में, मधुरामपुर मौजा में। एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, एक रिपोर्ट रिलीज किया गया बाय एन नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 59.9% ऑफ मेल वर्कर है बिहार का, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ रेगुलर वेज एंड सैलरी वर्कर इज एश्योर्ड इनकम कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ओनली 9.3%, ठीक है ना, विच इज 15.4% ऑफ द नेशनल एवरेज। मतलब जिसको इनकम आती है वो सिर्फ 9.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसे करके ही दो तीन और स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे का है और ये वैलिड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये तो नहीं करना है। इसका हमने लेटेस्ट वाला डिस्कस कर लिया है। 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ये सेटअप किया गया है कजरा लखीसराय में, और पीरपैती में भी 250 का, ठीक है ना, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250 का। शरद यादव आपको पता है, इनका अभी डेथ हो गया है, आरजेडी चीफ, एंड आरजेडी चीफ इन्होंने रीयूनाइट कर लिया था आफ्टर 25 साल स्टार्टेड, एलजेडी वाज मर्ज्ड विद लालू। देखो शरद यादव का ये पूछ सकता है क्योंकि ये शुरुआती पार्टी इनका क्या था, एलजेडी था, एलजेडी, बाद में इन्होंने रीयूनाइट कर लिया था आरजेडी के साथ, एलजेडी, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इनके बारे में पूछा था ना पासवान जी के बारे में। पटना डिस्ट्रिक्ट इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट टू डूइंग वर्क्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट अंडर द पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विस राइट। समस्तीपुर और खगड़िया ये सेकेंड और थर्ड पे है। पटना डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सर्विस राइट पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा काम किया, समस्तीपुर दूसरे, खगड़िया थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्री का बिगेस्ट फूड पार्क है ये बिल्ड कहाँ पे किया, मोतीपुर में। कंट्री का सबसे बिगेस्ट फूड पार्क है मोतीपुर में बिल्ड हो रहा है और इसमें 5,000 लोगों को काम मिल सकता है। बीजेपी के एमपी है, ठीक है ना, बीजेपी के एमपी है मनोज तिवारी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार के खादी का। उसके अलावा गोवर्धन योजना है, याद रखना, इसमें काउडंग लिया जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, वाई करेगा काउडंग, गोवर्धन योजना के तहत। रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्टैब्लिश हो रहा है, इंडिया का पहला, और ईशान किशन के बारे में तो पता ही है सबसे, ये 15.25 करोड़ में खरीदा गया है, ठीक है ना, कॉस्टलीस्ट अब नहीं है, कॉस्टलीस्ट अब कॉस्टलीस्ट है कौन है, करण, ठीक है ना। उसके बाद सिडवी से रिलेटेड है, सिडवी, सिडवी सिंपल क्या कर रहा है, एमएसएमई का हेल्प कर रहा है, और बस इतना याद रखना। और सिडबी एमएसएमई में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बिहार का, ये बात याद रखिएगा। बिहार इंक्लूडेड इन द टॉप 10 स्टेट ऑफ द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ रिसीविंग फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है ना, 10th रैंक पे आ गया, टॉप 10 में आ गया, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में, फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में, याद रखना। महाराष्ट्र अकाउंट इतना परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेन टूरिस्ट फॉलोड बाई तमिलनाडु, और फॉरेन टूरिस्ट बिहार में कितना आता है, 4.3, बिहार की रैंक है 9th। फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र में, फिर कहाँ आते हैं, तमिलनाडु में। उसके अलावा मार्टियर्स डे, यस, यानी हम उसको बोलते हैं शहीद दिवस, शहीद दिवस, क्योंकि मुंगेर में 34 फ्रीडम फाइटर को मारा गया था, इसीलिए नीतीश कुमार इस दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कब, 1932 में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के तारापुर टाउन में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पटना बेस्ड एयरपोर्ट, ये कनेक्ट होगा वर्ल्ड 200 सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स से,
करेक्ट होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम द रोल ऑफ लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर का क्या रोल होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ये बिहार विधानमंडल में ऑर्गेनाइज किया गया, याद रखना। स्टार्ट किन के द्वारा किया गया, स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। रामायणा टेम्पल ईस्ट चंपारण में, एक रामायणा टेम्पल आपको पता है कहाँ पे बन रहा है, पूर्णिया में भी, और एक रामायणा टेम्पल ईस्ट चंपारण में बन रहा है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, दोनों जगह बन रहा है। बिहार गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया जिसके तहत जो टेम्पल का ऑनर अब भगवान होंगे, वो प्रीस्ट नहीं, ठीक है, समझ में आना। उसके अलावा बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क है, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, भागलपुर में, किस स्कीम के तहत, पीएम मित्र स्कीम के तहत, ये पीपीपी मोड से इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। शकीब उल घनी रणजी ट्रॉफी में डेब्यू में थर्ड सेंचुरी लगाने वाले, कहाँ किसके खिलाफ लगा है, मिजोरम के खिलाफ लगा है, याद रखना है। उसके अलावा बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, ये हम पता है, उन्होंने एक बहुत लंबे समय से पेंडिंग था रेल कम रोड ब्रिज नियर गंगा, ये बेगूसराय और मुंगेर को कनेक्ट करेंगे, और इसको अभी चालू कर बनाने पे बात हो गई है, चालू हो गया, इनागोरेट हुआ, श्री कृष्णा सेतु इसका नाम रखा है। सिंपल पूछा है, श्री कृष्णा सेतु जो बन रहा है वो किस 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 के बीच है, बेगूसराय और मुंगेर के बीच है। एक एंटरप्रेन्योरशिप को वुमेन में इनकल्ट करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फेयर किया जा रहा है। उसके अलावा सहरसा बना है पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट, ये मतलब ई ऑफिस सिस्टम पे इनॉग्रेट हो रहा है। उसके बाद पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है उसको डेवलप किया जा रहा है, और ये उसको प्रसाद स्कीम के तहत इसको जोड़ा जा रहा है, और 251 मीटर का सीता माता का स्टैचू बनने की बात करें जो देश का सबसे लंबा होगा। गेव साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन मैथिली लैंग्वेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जगदीश प्रसाद मंडल जो मधुबनी के थे पंगू के लिए, 2022 का भी हमने डिस्कस कर लिया है। आसियाना नगर डिवीजन जो पटना है, ये पहला डिवीजन बना है जो पूरा स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किया है 100% कंज्यूमर में, 2025 तक हम हर जगह कंप्लीट करने वाले हैं। मैथिली नोवेल एक है जिसका नाम है मृचिका, मृचिका, ये किनके द्वारा लिखा गया है, लीली राय के द्वारा। इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया मैथिली लिटरेचर में, मैथिली लिटरेचर को डेवलप करने में, इनका अभी मृत्यु हुआ है। एक है दृष्टि ऐप, दृष्टि ऐप बस क्या है, ये इसको लॉन्च किया है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है ना स्टेट में उसको मॉनिटर करेगा, दृष्टि नजर रखेगा, ठीक है। और 2023 में टारगेट है बिहार का कि 10% एनर्जी वो जो यूज करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के सोलर एनर्जी से, और 2030 तक 20% जो एनर्जी यूज करेंगे वो सोलर एनर्जी से। अंजनी कुमार सिंह अपॉइंट किया गया नए DGP ऑफ बिहार, सॉरी डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार म्यूजियम, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी सर्वे 2021-22, ठीक है ना, इसके हिसाब से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, पूर्णिया का है, इवन ये हाईएस्ट है किससे, नेशनल एवरेज से, और सबसे लोएस्ट किसका है, पूर्णिया सबसे टॉप, मुंगेर सबसे बॉटम, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। और ये नहीं याद करना, 31वां बिरिहारी पुरस्कार मधु कनरिया जी को, और ये हम यहाँ थे उसके लिए, नया वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद संजीव प्रकाश शर्मा है, ये जज है राजस्थान हाई कोर्ट के, ये पटना हाई कोर्ट के जज के लिए ओथ दिए, याद रखिए। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, डिप्लोमेट ऑफ, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, देखो ये जो MD वाला कोर्स है ना उसी के इक्विवेलेंट है, बिहार के 3 जिला में स्टार्ट हुआ है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में, ठीक है। उसके बाद मोतिहारी का जो सदर हॉस्पिटल है, पहला सदर हॉस्पिटल बना है जो DNB ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, DNB ट्रेनिंग। अमित मिश्रा को अवार्ड दिया गया साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, याद रखिए, मैथिली लैंग्वेज के लिए, और इनकी पोएम है आशु बनी परसी जैब। उसके बाद बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट ने गर्ल एजुकेशन के लिए, गर्ल स्टूडेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए बहुत काम किया, और गर्ल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बिल पब्लिश वॉल न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है ना।
बिहार में करंटली क्या है कि हर चीज के लिए अलग अलग नंबर है, इमरजेंसी के लिए अब सबके लिए 112 एक ही नंबर स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद है फ्लाई एस ब्रिक, ये हर गवर्नमेंट स्कीम, ये मतलब हर जगह यूज किया जाएगा और इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट को बचाव मिलेगा, ठीक है ना। ऑन January 9 160वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है पटना कॉलेज का। ये कब स्टैब्लिश किया गया था पटना कॉलेज? 9 जनवरी 1863, 9 जनवरी 1863। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर, ये IIT पटना ने ट्रांसफर किया, हीट एंड मास ट्रांसफर। देखो एक 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 यूनिवर्सिटी बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये बिहार में बनने की बात की गई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने इसको, ये ऑपरेट करता है उसके अंदर। तो पहले कहाँ कहाँ, एक तो सोनीपत में है हरियाणा, एक है थंजावुर तमिलनाडु में, और थर्ड ये बनना है 100 एकड़ प्लॉट मिल गया है बिहार, पटना और मुजफ्फरपुर के बीच। विलेज टूरिज्म, देखो अंडर इको टूरिज्म, टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज फर्स्ट डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्क इन ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण, इन जगहों पे, और विलेज टूरिज्म पे फोकस किया जाएगा। कौन सा जिला है याद नहीं रखना है क्योंकि बहुत सारे जिले हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इसको रिकंस्टिट्यूट किया और अपॉइंट किया है रिटायर पटना के हाईकोर्ट जज जस्टिस संजय कुमार को एज ए चेयरमैन फॉर 3 ईयर, ठीक है। बिहार के प्लेयर ने जीता है टोटल 11 मेडल, कहाँ पे? नेशनल कंपटीशन इन इंडिया ऑफ स्किल्स, नेशनल कंपटीशन ऑफ इंडिया स्किल्स 2021 जो कि दिल्ली में हुआ। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तो हमने देख लिया, 3 जगह, नीचे मछली ऊपर बिजली इस प्रोजेक्ट का नाम है। एग्रो क्लस्टर बनाने की बात की गई है, सकरी सरैया ऑफ खुदानी, सकरी सरैया ऑफ खुदानी ब्लॉक ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना IIT गुवाहाटी इसका नोडल एजेंसी है। एग्रो क्लस्टर बनाने की बात की है। फोर्थ फाउंडेशन डे जो कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का फोर्थ फाउंडेशन डे, इसमें क्या किया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी जो बिहार की है वो गिफ्ट देंगे वुमेन को, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, ई नारी शक्ति लोन स्कीम भी लॉन्च किया जाएगा। कितना दिया जाता है? 1 लाख दिया जाता है, ठीक है। नो डॉक्यूमेंटेशन फी विल बी चार्ज फॉर दिस। रोहित कुमार है फाउंडर ऑफ मीडिया ट्रेंड्स, रोहित कुमार इनको ऑनर किया गया बिहार विभूति सम्मान से। मीडिया ट्रेंड्स रोहित कुमार को ऑनर किया गया बिहार विभूति सम्मान से, इनको बिहार एंटरप्रेन्योरशिप समिट में, ठीक है ना। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने अप्रूव किया प्रोपोजल टू सेटअप सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ इन कैमूर, पहला तो वाल्मीकि है, सेकेंड कहाँ पे? कैमूर में। और अप्रूव कर दिया है NTCA ने इसको। और टाइगर कितना है? 2018 के हिसाब से 21 है, कहाँ पे? वाल्मीकि में। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020, ठीक है ना, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, और ईस्ट चंपारण को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला ईस्ट जोन से, याद रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये, या ऑर्डिनेंस वाला याद नहीं करना है। अर्थक्वेक सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज किया गया स्टेट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। उसके अलावा एक इंटेंसिव केयर यूनिट है जिसमें बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिले चिल्ड्रन को, इसके लिए एस्टैब्लिश किया जा रहा है। बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अवार्ड दिया है ट्रॉफी ऑफ बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ईस्ट जोन, ये किसको मिला? राजगीर को मिला, ईस्ट जोन का सबसे अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, ये कहाँ पे बन रहा है? बिहार शरीफ जो नालंदा में है ना, उससे 7 किलोमीटर दूर और NS20 के पास है। Super 30 के मैथमेटिशियन है आनंद कुमार, इनको पद्म, और देखो इनको अभी अब पद्मश्री मिल गया, ये 2000 ये जनवरी का न्यूज है इसलिए वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। पद्मश्री उषा किरण खार, ट्रांसजेंडर रेशमा और फॉर्मर क्रिकेटर है अमीरकर दयाल, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ पटना इन द क्लीनलीनेस सर्वे 2020, ठीक
ठीक है ना, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इन तीनों के लिए। nachbaba.com, nachbaba.com किसका है? रेशमा प्रसाद का है, रेशमा प्रसाद का है। इनको इंक्लूड किया गया है स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के अंदर। बिहार डिस्टिलरीज और बॉटलर कंपनी है जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, देवधी गधानी, ठीक है ना। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन एशिया, ठीक है। धीरज कुमार जो बेतिया के और पाल सखी जो छपरा है, इनको अवार्ड मिला है नेशनल चार्ट और रिपब्लिक डे के दिन पे। ये अवार्ड वाला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट का पहला बम्बू गार्डन, ये स्टेट का मतलब राज्य का पहला बैम्बू गार्डन, ये कंस्ट्रक्ट किया गया कहाँ पे? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर जो कि बोधगया के प्रेमिसेस में है, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। उसके अलावा क्या है? अंडर द गवर्नमेंट रन महादलित, दलित और माइनॉरिटी और एक्सट्रीमली माइनॉरिटी क्लास, अक्षय आंचल योजना और कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी अब छूटे नहीं प्रोग्राम, ये 9 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया। ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ये सब रिलेटेड है माइनॉरिटी वगैरह से रिलेटेड है। गांधी मैदान में बहुत सारे टेबल्यू दिखाया गया, ठीक है ना। और इन द टेबल्यू ये एक्चुअली पहले है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है 2022 का, ये तो याद नहीं रखो, तो 2023 का याद रखना। 2023 में किसको? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिला है। 2022 में यहाँ पे बताया जा रहा है किस डिपार्टमेंट को मिला था? एजुकेशनल डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि जनवरी वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो बिहार का है। पहला खादी मॉल पटना, स्मार्ट प्रीपेड मीटर कब तक खत्म करने वाले है? पहला स्टेट है जो इंस्टॉल कर रहा है वो है बिहार। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन पुलिस, ये भी बिहार में। टॉलेस्ट स्टैचू जो सोए हुए मुद्रा में महात्मा बुद्ध का बन रहा है, बोधगया में। सबसे लंबा, सबसे बड़ा फूड पार्क मोतिहारी, मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर। टॉलेस्ट स्टैचू सीतामढ़ी। और फर्स्ट वुमेन सेल्फ रेस्पेक्ट बटालियन, ये कहाँ पे हो रहा है? वाल्मीकि नगर ऑफ बगहा, ठीक है। उसके अलावा ई इथेनॉल पॉलिसी किसने बनाया, इथेनॉल पॉलिसी किसने बनाया? बिहार, नेवा में, बिहार में इम्प्लीमेंट किया गया है। हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली में तो सब कर रहे हैं। फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी ओपीडी ओपन कहाँ पे किया गया? दरभंगा में। और इंडिया का पहला 3 AC इकोनॉमिक कोच गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन पटना से आनंद विहार टर्मिनल, ठीक है। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर। उसके बाद ओपन लाइब्रेरी हर ग्राम पंचायत में पूर्णिया, क्राफ्ट म्यूजियम पटना, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट एस्टैब्लिश करने वाला बिहार है। 33% रिजर्वेशन गर्ल्स का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वुमेन कमांडो स्क्वाड, ठीक है ना, प्रिपेयर किया बिहार पुलिस ने। यंगेस्ट स्काई डाइवर ऑफ इंडिया अनामिका शर्मा मोकामा की है, बिहार मतलब पटना में है मोकामा। स्टेट एक्शन एंड क्लाइमेट चेंज बिहार प्रिपेयर किया, सेकेंड स्टेट बना जो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को प्रिपेयर किया है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी बनाने वाला पहला स्टेट कौन है? बिहार। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनाइज किया है, एग्रीकल्चर है खत्म, वो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। उसके बाद 33% इंजीनियरिंग मेडिकल और स्पोर्ट्स कॉलेज में बिहार ने किया ऐसा। हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बिहार बजट के हिसाब से बिहार का है, ठीक है। इंडिया का बजट के हिसाब से इंडिया से भी, बिहार से भी ऊपर दो स्टेट था। बापू टावर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? गर्दनीबाग पटना। फर्स्ट बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम जो कि पूरे स्टोन से बनाया गया है, वैशाली बिहार। पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स अकेडमी पटना। इंडस्ट्री स्टेटस शुगर केन जैगरी प्रोडक्शन को कौन दिया है? बिहार, ठीक है। इमरजेंसी शेल्टर इज भी कहाँ पे बनाया जाएगा? पटना जंक्शन में। कुकरी विलेज को क्या न्यूट्रिशनल विलेज का दर्जा दिया गया? कुकरी विलेज पटना डिस्ट्रिक्ट का है। ई वेयर हाउसिंग सिस्टम बिहार करने वाला है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एकोमेंडेट किया है 100% कोविड वैक्सीनेशन मोतिहारी। डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट होम पे एक्सेस कर सकते बिहार। फर्स्ट टू वॉलेंट्री ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड बिहार।
राइस सिलो गोदान बिहार और कैमूर, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बिहार में, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन रणजी ट्रॉफी, शकीबुल घनी है, ठीक है। हुई रेलवे फैक्ट्री ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट क्रेन विंग लिफ्टिंग कैपेसिटी 175 टन बनाया गया, जबलपुर पर बिहार में 175 टन का लिफ्टिंग कैपेसिटी है। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ए वर्चुअल पार्क टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, ये बिहार में वर्चुअल पार्क बनाया गया। सेपरेट बटालियन फॉर थारू ट्राइब, थारू ट्राइब वेस्ट चंपारण में बिहार। फर्स्ट बायोगैस प्लांट, ये ब्रह्मपुरा बक्सर में, ब्रह्मपुर बक्सर में फर्स्ट बायोगैस प्लांट बिहार। बिगेस्ट इथेनॉल प्लांट है पूर्णिया में, फर्स्ट इथेनॉल प्लांट है फर्स्ट है गोपालगंज, बड़ा वाला सबसे है पूर्णिया। फर्स्ट डिटेंशन सेंटर फॉर फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर, ये कहाँ पे हाजीपुर में बना है। बिहार का सेकेंड जू ये कहाँ पे, अररिया में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रानीगंज वृक्षा वाटिका, रानीगंज वृक्ष वाटिका। डिजिटल लिटरेसी कैंपेन प्रिजनर के लिए बांका में, बांका। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट जूट और फाइबर पार्क, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, पूर्णिया। जूट और फाइबर पार्क, जूट और फाइबर पार्क। बिहार का पहला गार्बेज फ्री सिटी सुपौल म्यूनसिपल काउंसिल। बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक ओपन कहाँ पे हो रहा है, अंडर द लोहिया स्वच्छ बिहार प्रोग्राम। देखो जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसका जो बिहार वाला वर्जन है उसका नाम है लोहिया स्वच्छ भारत बिहार मिशन। कुदनी ब्लॉक मुजफ्फरपुर, यहाँ पे टॉयलेट क्लिनिक ओपन हो रहा है। फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ बिहार जो रिसेंटली अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा, कोची कोसी मेची रिवर प्रोजेक्ट। उसके बाद बिहार फर्स्ट फूड प्रोसेसिंग ऑफिस, ये पटना में, और आपको पता है पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ के जमीन लेके एक बना रहा है फूड प्रोसेसिंग वाला जो कॉलेज, पहले सिर्फ तमिलनाडु के थंजावुर में और सोनीपत और हरियाणा में बनाया जा चुका है, थर्ड जो बिहार में बने हैं। बिहार फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल ब्रीडिंग, ये पिपरा कोठी इस चंपारण में। फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केट जो कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम के तहत बनाया जा रहा है भागलपुर। फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट ऑफ बिहार इज बीइंग बिल्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, ब्राह्मियोनी हिल्स गया, सिटी फॉरेस्ट है। फर्स्ट फार्मर टी प्रोड्यूसिंग कंपनी किशनगंज में। फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, फतुहा। फर्स्ट ब्लॉक जो बिहार का जो वैक्सीनेट होगा 100% ये है बनकटवा ब्लॉक इस चंपारण, बनकटवा ब्लॉक इस चंपारण। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द स्टेट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंटरप्रेन्योरशिप पार्क ये बिल्ड किया गया है, इन द इंडस्ट्रियल सेंटर कॉम्प्लेक्स पूर्णिया में। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू गिव फर्स्ट डोज ऑफ COVID-19 वैक्सीन हर 18 से ज्यादा वालों को इस चंपारण। फर्स्ट बैम्बू गार्डन कहाँ पे बिल्ड किया गया, बोध गया में, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स में। FSSAI ने फर्स्ट ईट राइट कैंपस डिक्लेयर किया है बिहार का, नवादा जेल को, नवादा जेल को फर्स्ट ईट राइट कैंपस। वेयर वॉज बिहार फर्स्ट नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक, मैन ब्लड बैंक, मन मैन ब्लड बैंक, ये पटना में ओपन हुआ है। बिहार का पहला कोसी सफारी, ये टाइप ऑफ बोट रेस है इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट। जू सफारी राजगीर में, फर्स्ट जू सफारी, नेचुरल सफारी राजगीर में। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पहला दरभंगा में, सेकेंड सुपौल में। फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में, फॉरेस्ट्री कॉलेज। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भगन बीघा नालंदा में। उसके अलावा मॉक ड्रिल दिया जा रहा है कि पेस्टिसाइड को कैसे स्प्रे किया जाए ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से, बेगूसराय में पहली बार हो रहा है। बिहार फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट, IGIMS पटना। कदिया विलेज, केदिया विलेज जो जमुई में है ना, वो बिहार का पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विलेज है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विलेज। फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे, चनपटिया वेस्ट चंपारण। ई ऑफिस सहरसा, ठीक है ना, ई ऑफिस मतलब बिल्कुल पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार बिकम कम्प्लीटली डिजिटल, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पटना, ठीक है।
डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? छपरा में बन रहा है। सेकेंड डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार कहाँ बन रहा है? पटना में, कारगिल चौक टू पटना साइंस कॉलेज। पहला छपरा, सेकेंड पटना। लार्जेस्ट मॉडर्न कार्गो टर्मिनल, ये कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया? सारण डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट फीस फीड मिल, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? विक्रमगंज रोहतास, बिहार का पहला फीस फीड मिल, मतलब फीस को खिलाने के लिए सामान बना है। फर्स्ट एक्सप्रेस वे टू बिल्ड, औरंगाबाद से जयनगर। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट इंजीनियरिंग स्टडीज इन हिंदी मीडियम, NIT पटना। बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये सेटअप किया गया है फॉर टी प्लकिंग वुमेन, ये किशनगंज में। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, कुशियर विलेज अररिया, कुशियर विलेज अररिया। बिहार सेकेंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये धोबी गया। थर्ड बायोडाइवर्सिटी पार्क, सुपौल, सुपौल। बिहार का सेकेंड रोपवे, मंदर पर्वत बांका, मंदर पर्वत बांका। फर्स्ट ट्रांसजेंडर कॉन्स्टेबल ऑफ बिहार, रचित राज, रचित राज, जो कि ट्रेन में एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बिहार का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क, धोबी गया, ठीक है। बिहार का फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट पार्क जो कि बिल्ड हुआ है गया में। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में। फर्स्ट टाइम ए काउ गेव बर्थ टू ए टेस्ट ट्यूब काफ, टेस्ट ट्यूब काफ बेगूसराय। फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर चाइल्ड वेज बॉर्न थ्रू ए टेस्ट ट्यूब, ये है IGMS पटना। मदर का नाम था अनीता देवी, सहरसा। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू प्रिपेयर डिजिटल फर्टिलिटी मैप, किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जहानाबाद। सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ पे बन रहा है? कैमूर में। फर्स्ट रबर डैम फाल्गु रिवर गया। फर्स्ट रामसर कावड़ता लेक बेगूसराय। फर्स्ट साइंस सिटी पटना। सेकेंड IIMS कहाँ पे? दरभंगा में कंस्ट्रक्ट करने की बात की। तो पूरा हमने कवर कर लिया। अब एक वीडियो ऑलरेडी ऑल और कवर होगा जिसमें हम बजट सर्वे और बजट हो गया, सर्वे हो गया और थर्ड चीज डिस्कस करेंगे साथ में से। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर मैसेज करें, 9582062485। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।